जी हाँ, डॉक्टर शिवम सहगल। जी हाँ जी, बोलिए। मुफ्ती साहब, राजा साहब, दोनों को गुड इवनिंग सर। आज पूरी डिस्कशन में सुन रहा था जी तो सर, जैसे अभी इन्होंने, आप भी बोलते हैं कुछ हिंदू सिविलाइजेशन नहीं थी, पर सर आप एक टाइम देखिए जब वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब रीजन में एक एक सेम कल्चर था, एक सेम सब कल्चर था, सेम ठीक है। कंपेरेटिवली काफ़ी सेम लैंग्वेज थी, तमिल से रिलेटेड या संस्कृत से रिलेटेड। तो ठीक मैं है, तो इस बात को बोलूंगा कि वो सिविलाइजेशन थी और इस बात को हमें मानना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सर मेरे को, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत खास, बट मेरी दो शिकायतें रहती है मुस्लिम से कि नहीं, एक तो वो मैं अपने आप को कल्चर का पार्ट नहीं मानते, एक मिनट, वो मैं एक साउथ एशियन मिनट, कल्चर पे सहगल साहब प्राउड एक नहीं मिनट, है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये सिविलाइजेशन थी वहां से लेकर फला जगह तक। ओके, थी, हमने मान लिया थी। बात ये नहीं हो रही है कि सिविलाइजेशन थी या नहीं थी, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि अगर कोई सिविलाइजेशन पास्ट में थी तो क्या उसको आज रिवाइव किया जाना चाहिए, और किया जाना चाहिए तो क्यों किया जाना चाहिए, बात ये हो रही है। सर बिल्कुल सॉफ्ट पावर के लिए बिल्कुल किया जाना चाहिए, बिल्कुल। जैसे आ, आ, पहले सर मेरे दो प्रॉब्लम सुन लीजिए मुस्लिम से। एक मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे सारे मुस्लिम दोस्त भी थोड़ा सा अपने आप को कट आउट फील करते हैं, वो क्योंकि प्राउड नहीं है अपने कल्चर पे। साउथ एशियन से ज्यादा रिलेट नहीं करते, अरब से ज्यादा रिलेट करते हैं अपने मैं आप को। यही कह रहा हूं कि और अपने कल्चर पर क्यों प्राउड हो, बात तो यही है ना, हम उसका लॉजिकल आंसर क्यों जानना नहीं चाह हो, रहे हैं। ये तो आपका क्लेम है ना, मुझको साबित कीजिए, मुतमईन कीजिए मुझे कि मुझे अपने कल्चर पर प्राउड होना चाहिए, जो कल्चर मेरे आबा सर से मैं चला आपसे, सर मैं आ आपसे रहा है। पूछता हूँ, क्या अकबर थे, टीपू सुल्तान थे, बाबर थे और बहुत सारे मतलब इस्लामिक भी थे, आप लोगों को उन पे तो प्राउड है बट नहीं है, आपको अशोका पे प्राउड नहीं है, जबकि नहीं अशोका है, हिंदू नहीं था, नहीं, ये अशोका आपकी बुद्धिस्ट गलतफहमी है, था। आपकी ये गलतफहमी है कि हमें अकबर पर या शाहजहां पर कोई प्राउड है। हमें तो कोई प्राउड नहीं है, दे वर जस्ट ह्यूमन बीइंग। उनसे जो है 10,000 गलतियां हुई होंगी, कुछ अच्छाइयां भी हुई होंगी, कुछ गलतियां भी हुई होंगी। हमें इस पर, हमें अपनी, देखिए वही तो बात है ना, हम किसी कल्चर के ऊपर प्राउड में फील, प्राउड में मानते ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि बात सिविलाइजेशन की होनी नहीं चाहिए कि सिविलाइजेशन का को रिवाइव करें, बात होनी चाहिए रिलीजन की। सिविलाइजेशन की बात क्यों हो रही है, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे कन्विंस करें कि सर सिविलाइजेशन मैं का बताता रिवाइव हूँ, सर मैं करना बताता हूँ जरूरी है। जी सर, आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर आप खुद पे प्राउड नहीं करोगे, यूरोप वाले कहीं पे, यूएसए वाले, सब लोगों को खुद पे प्राउड होता है, इसीलिए दुनिया उनकी तरफ आकर्षित होती है, इसी से आप प्रोग्रेस कर पाते हैं। आप और अपने सर अचीवमेंट पे, नहीं मैं आपको यहां रोककर एक बात कहूंगा कि आप, मैं प्राइड को ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइड नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर, आप अपने अचीवमेंट्स के ऊपर प्राउड फील करें ना। मिसाल के तौर पर अगर वेस्टर्न कंट्रीज हैं या अमेरिका है, इन लोगों ने, अगर इन मुल्कों ने दुनिया को कुछ दिया है, साइंस टेक्नोलॉजी जो भी है, और उनके ऊपर वो प्राइड करते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर वो अपने पास्ट के ऊपर प्राउड फील कर रहे होते आज से 17th सेंचुरी पहले या 1400 से पहले, अगर वो प्राउड फील कर रहे होते तो आज वो यहां ना पहुंचते जहां वो पहुंचे हैं। उन्होंने अपने आप को, अपनी सिविलाइजेशन जो रोमन या लैटिन सिविलाइजेशंस है उससे, ग्रीक सिविलाइजेशन है उससे अलग किया तो यहां पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं वही कहना बिल्कुल चाह सर, रहा हूं कि बात प्राइड के खिलाफ नहीं है, बात यह है कि सिविलाइजेशन जो डेड हो चुकी है उस पर क्यों प्राइड है, उस पर आप मुझे मुतमईन कीजिए। डेड नहीं हुई सर, बिल्कुल डेड नहीं हुई, आप कैसी बात कर रहे हो। एक एक लौती इंडिया ही तो कंट्री बची है जिन पे अभी भी जो धार्मिक रिलीजन पे चल रही है। पहले तो पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर एंड तक सब कुछ अब्राहमिक तो नहीं था ना, अब जो सिर्फ इंडिया धार्मिक ही बची है, तो आप रिलीजन ये चल रही है, नहीं इसका बोल मतलब सकते ये कि है कि आप सिविलाइजेशन रिलीजन डेड है। की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, अब सिविलाइजेशन की बात कल्चर की नहीं हो रही, बात कर आप रहे हैं, कह कल्चर की रहे बात हैं कर रहे हैं। जैसे इंडिया आपने में कहा टॉलरेंस धार्मिक है तो वो रिलीजन, आज जो से नहीं है। धार्मिक रिलीजन चल रही है। नहीं सर, मेरी एक बात सुनिए, धार्मिक रिलीजन में इंडिया में, इंडिया की मतलब जैसे हिंदू कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सिंध का ये वाला एरिया, हमारे इस एरिया में हमेशा से मतलब कितने भी हजार साल पहले आप चले जाइए, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि किसी को अपनी पूजा करना अलाउड नहीं। मतलब जो हिंदू सिविलाइजेशन है, सनातन सिविलाइजेशन, आप एक गॉड को मानो, आप गॉड को मत मानो, आप 10 गॉड को मानो, आप 100 को मानो, तो वो एटलीस्ट ज्यादातर लोगों को अपने अंडर कवर करती है। तो सर इस हेरिटेज का तो प्राउड होना चाहिए मुस्लिम्स को भी, सबको। मुझे मुझे हैरत है कि आप जो है, आई एम सॉरी, मैं वो, मैंने चूंकि लैपटॉप चेंज कर दिया तो मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ जो मैंने शुरू में पेश किया था।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, एक आर्टिकल दिखाया था, वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, वो हिंदू रिवाइवलिस्ट ही का लिखा हुआ है जो उनको रिवाइवल करना चाहते हैं हिंदू सिविलाइजेशन को। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदू और क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम ये है कि उनमें एरोगेंस है, वो अपने रिलीजियस डॉक्ट्रिन को छोड़ें और हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज को इख्तियार करें इस साइकोलॉजिकल बीमारी से निकलने के लिए। आप इसको जस्ट समझते हैं कि ये नहीं, ये तो मैं गलत मानता हूँ। मैं अपने एक अपनी थॉट से बताना चाहता हूँ कि हिंदुइज्म का मतलब है कि आप सारे रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे भाई बात यही है कि हमारे पास जब भी हिंदू भाई आते हैं, हर एक आदमी हिंदुइज्म का अलग मतलब बताता है। ये चीज के जी, आप अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल ओपिनियन पर तो हिंदू सिविलाइजेशन का रिवाइव नहीं होगा ना। हिंदू सिविलाइजेशन का रिवाइव उस लिटरेचर की बुनियाद पर होगा, जो लिटरेचर मैंने आपको दिखाया, जो लिटरेचर इस वक्त पूरे इंडिया में आरएसएस के जरिए इस वक्त फैल रहा है, तो उसकी बुनियाद पर रिवाइव होगा ना। आपकी पर्सनल ओपिनियन तो मैटर नहीं करती सर। राइटिस्ट तो हर जगह होते हैं, इस्लाम में भी आपको फार राइट मिलेंगे, आपको हिंदू, आप एक पर्टिकुलर, बहुत सारी स्टडीज होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल से डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस चीज को। आप हिस्ट्री देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री हमारी एरिया की, साउथ एशिया की हिस्ट्री है टॉलरेंस की और साथ मेल जोल की और भाईचारे की। जी 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 आई एग्री विद यू, लेकिन बात ये हो रही है, हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया में आरएसएस आइडियोलॉजी एक फ्रिंज एलिमेंट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मानता है ये तो, मतलब अंदर से आपस में, मतलब भाई तुम घर के अंदर क्यों लड़ाई कर रहे हो? जैसे देखो, मैं पाकिस्तान को बहुत गलत मानता हूँ सर। मैं आपसे कन्फर्मेशन लेना चाहता हूं, पाकिस्तान को, एक एक मेरी बात सुनिए, मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गलत मानता हूँ, क्योंकि वो लोग जो कुछ वो धर्म के हिसाब पे बनी है, और वो लोग, उनका ये मानना था कि हम दो भाई साथ में नहीं रह सकते, पर इंडिया इससे उल्टा है, और अगर वो लोग इसीलिए पीछे रह गया, अगर हम आरएसएस बाजी चालू करेंगे तो हम उनके डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा तो ये मानना है, जो कि गलत है, जो कि सरासर गलत है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाऊं, मैं यहां किसी मुल्क का दिफा नहीं कर रहा हूं, दिफा करने के लिए हमारे पाकिस्तान से कैसर भाई खुद बैठे हुए हैं, लेकिन जो टू नेशन थ्योरी है ना, उसको मुसलमानों ने कभी पेश नहीं किया था पहले। ये शुरुआत ही आरएसएस के जो जो फाउंडर्स थे, चाहे वो सावरकर हों या गोलवालकर हों, इन लोगों ने तो सर सारे मुस्लिम मान गए क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? इन लोगों ने सारे मुसलमान तो गए भी नहीं ना पाकिस्तान में, सारे मुसलमान तो पाकिस्तान में नहीं गए, नहीं गए क्योंकि साउथ एशिया का कल्चर ही नहीं है, ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि टू थ्योरी नेशन या टू नेशन थ्योरी की जो बात चली है, वो पहले हिंदू नेशनलिस्ट ने, रेसिस्ट ने चलाई है। That's what I'm trying to say. खैर, हमारी बात इधर चली गई। आप मुझे अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि हिंदू कल्चर का या सिविलाइजेशन का रिवाइव लॉजिकली क्यों होना चाहिए, ये मुझे बताइए। सर, लॉजिकली इसलिए होना चाहिए ताकि हमारी कंट्री अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाए, और कल्चरल प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, बाकी कंट्रीज को भी हम इन्फ्लुएंस करें, जो हमें लगता है कि हमारी थॉट है हम बाकी लोगों तक पहुंचा पाए। इसलिए सर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल रिवाइवल होना चाहिए कल्चर का। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो क्लासिक एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि यूके और जर्मनी का कल्चर टोटल ऑपोजिट है, एक इनडायरेक्ट है, एक डायरेक्ट है। जो कल्चरली स्पीकिंग जो ब्रिटिश कल्चर है, वो उसे कहते हैं ये बीटिंग अबाउट द बुश, कि उसमें बात हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से की जाती है। जर्मन कल्चर में हमेशा डायरेक्ट टू द पॉइंट तरीके से बात की जाती है। कल्चर की कोई बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन जो है, जिस तरह से, और इस बात में चीज़ शामिल रखिएगा कि आपकी सिविलाइजेशन को रिवाइव करने के लिए जो तबका लीड कर रहा है, उसका नॉन हिंदूज के बारे में क्या ख्याल है। जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं, वहाँ पे नॉन हिंदूज किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर इन्होंने आपकी सिविलाइजेशन, जिसमें बहुत ही अच्छी बातें होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो अपने वक्त के साथ ख़त्म हुई, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब अगर वो प्रॉब्लम जी सर खत्म नहीं हुई, ये तो बात करना चाहूंगा, राजपूत औरत का अगर वहां पे हस्बैंड फौत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो आप जिंदा जलाते हैं उनको? सर वो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप प्लीज मेरी ध्यान से बात सुनिए। नहीं, अच्छा, नहीं, एक मिनट
एक मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप ये कह रहे हैं खत्म नहीं हुई तो उसको रिवाइव करने की क्या जरूरत है, रिवाइव तो किया ही उसको जाता है। अरे यार मैं बता देता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जो सर जब अटैक होते थे पुराने जमाने में, इस्लामिक भी होते थे, बाकी भी होते थे, ट्राइबल भी होते थे, जैसे भी अटैक होते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो डेथ का कॉज होता था वॉर। और वॉर के बाद सर आपको पता ही है कि उनकी सारी वाइफ्स को ले जाते थे और लॉन्डिया बना लेते थे या फिर किडनैप कर लेते थे। उस वजह से सर सती सिस्टम शुरू हुआ था। वो कुछ बेवकूफ लोगों ने कुछ साल और एक्स्ट्रा खींच दिया, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ वो गलती है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुइज्म परफेक्ट होने का दावा नहीं करता। हिंदुइज्म में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन चले मैं एक लम्हे के लिए एक्सेप्ट भी कर लूं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर कुछ गलती होती है तो वो हम मानते हैं कि हमारी उसमें गलती है, क्योंकि ये गॉड का वर्ड नहीं है। करने के मैं लिस्ट पढ़ता रहूं और आप बताते रहें कि वो सारा गलत था, तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि वो फिर रिवाइव, जो मुफ्ती साहब ने भी आगे बात कही कि वो गलत था तो उसको छोड़ा गया ना, जिसको आप दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने, अगर कोई सर हिंदूज में ये ज्यादा है, मुस्लिम में कम है। मुस्लिम प्राउड फील करते हैं अपना टोपी पहनने में, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हिंदू कहीं पर टीका लगा के जाएगा तो अपने ऑफिस में घुसने से पहले साफ कर लेगा, कुछ कर लेगा, एटलीस्ट उस चीज पे नमस्ते करने पे, जो हमारे यहाँ से कल्चर है, हमारे देश का कल्चर है। नमस्ते भी तो गॉड की तरफ से नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है सर। भाई देखें, कल्चरल चीज, रिलीजियस चीज, हम उस पर नहीं बात कर रहे, ओवरऑल सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इस तरह सिविलाइजेशन यही हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, आपको उसमें मिल जाएगा कि हमारे खिलाड़ी जो होते हैं वो पब्लिकली मैच जीतने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, सेंचुरी करने के बाद सजदा करते हैं, 5 विकेट लेने के बाद सजदा करते हैं। भाई दैट्स नथिंग टू डू विद सिविलाइजेशन। आपका रिलीजन है, आपको उस पर फख्र होना चाहिए, यही तो हमारा पॉइंट है। हमें इस पे क्या, नहीं नहीं सर, नहीं सर, रिलीजन पे आपको फख्र नहीं होना चाहिए। आपको अपने कल्चर पे फक्र होना चाहिए, जो कि मुस्लिम्स को नहीं है, इसलिए वो रिलीजन ढूंढते हैं, इसलिए उन्हें रिलीजन पे फक्र है। अच्छा, ये साउथ इंडियंस हमारे कुछ कह रहे हैं साथ। जी अस्सलाम वालेकुम खैसर भाई, मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, जी सर, मेरा ख्याल अप्रोप्रिएट है कि आप बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जी शिवम भाई, देखिए आपने अभी बताया था कि पहले जैसे कि मुगल्स आए, अटैक करते थे, वॉर्स होते थे, तो लड़कियों को ले लेते थे वो लोग, तो उससे बचने के लिए ये सती सिस्टम स्टार्ट हुआ, आपने ये फरमाया। ऐसा नहीं है भाई, मुगल्स आने से पहले से आपकी किताबों में ये मेंशन है। अगर आप इंटरनल वॉर भी होते थे, मैंने मुगल का नाम नहीं लिया, मैंने बोला ट्राइबल, बाकी डिस्प्यूट भी होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम उस जमाने में हस्बैंड की डेथ का कॉज होता था वॉर। शिवम, अगर यही हल था तो सारी दुनिया में यही हल होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में जंगें चल रही थी। इस बात की ये इतना अजीब गरीब हल इंडिया में क्यों निकला? अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि औरत का की हैसियत सिर्फ बीवी के तौर पर तो है नहीं, वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है। तो अगर जंगों की वजह से एक औरत को अपनी इज्जत का खतरा था और इसलिए वो सती हो जाया करती थी, तो फिर हर औरत को सती हो जाना चाहिए था, अगर जंग कहीं जंग में लोग हारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हजारों में होती थी, साथ साथ में होती थी। मैं आपको डेटा बता दूंगा कि इस जंग में कौन कितनी हुई, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको भी पता चलेगा। शिवम भाई जी, शिवम भाई, मुफ्ती साहब, ये सिर्फ सती जो है ना, अपने अपनी इज्जत बचाने के लिए फ्यूनरल के पाइल्स में कूदती थी, इसके अलावा और भी एक रीजन है। ये प्राशर स्मृति में मिलता है, प्राशर स्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 32-33, यहाँ पर लिखा है कि इफ अ वाइफ बर्न हरसेल्फ इन द सेम फ्यूनरल पाई ऑफ हर हस्बैंड, शी विल ड्वेल इन द हेवन फॉर 3 करोड़ इयर्स। तो यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, अब मेरी एक मेरी बात सुनेंगे आप। किसी भी बंदे को कोई भी वेद कुछ भी दे दीजिए और उससे पूछे क्या ये वर्ड ऑफ गॉड है, वो बोलेगा नहीं यार, किसी साधु ने, किसी ऋषि ने किसी टाइम पे अपना ज्ञान लिखा है, और इसे हम परफेक्ट नहीं मानते, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। शिवम भाई, ये स्टार्ट हुआ किताब पढ़कर ही ना, कोई अपनी खुद ही से रात में सोच कर ये तो नहीं बोला कि मैं फिलोसफी है सर। आप सर मैं कल एक हिंदुइज्म पे किताब लिख सकता हूँ और मैं अपना इंटरप्रिटेशन लिख सकता हूँ, वो भी वैलिड होगी। आपको पढ़ने पड़े, आपको नहीं पढ़ना आप मत पढ़े, हिंदुइज्म ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन है, हिंदुइज्म में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। भाई वो वैलिड नहीं होगी, कृष्णा की बीवी भी सती हुई थी,
कृष्णा की अच्छा बीवी, जी आपके गॉड की बीवी। हाँ, हमारे अच्छा गॉड की बीवी सती हुई थी तो अब आप बोलिए ये कौन लिखा है, कृष्णा की वाइफ को सती होने चले गए थे। अरे सर मैं आपको बताऊं, इस्लाम में भी कई तरह की बहुत सारी बुक्स लिख दी गई थी, वो उमर थे या कौन, मैंने भी थोड़ा स्टडी किया, उन नहीं नहीं लोगों ने सब नहीं नहीं जलवा भाई दिया था और देखिए, सिर्फ आप ऑथेंटिक टेक्स्ट रख दिया था कुरान शिवम का। भाई यू कैन रिजेक्ट योर बुक्स, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप बोल हाँ रहे हैं जी, कि वेद को हम नहीं मानते, सुन लीजिए आई प्लीज प्लीज ओपनली प्लीज, रिजेक्ट, यस यस आई ओके कैन नो ऑल्सो प्रॉब्लम राइट नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ब्रदर, इफ दैट्स यू आर वाई यार रिजेक्टिंग, सुन दैट्स वाई लीजिए माय मेरे बात को, सिविलाइजेशन इज स्ट्रांग बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड टू रिजेक्ट एनीथिंग। 99% ऑफ द इंडियंस आर कल्चरली वेस्टर्नाइज्ड। इंडिया यस में दे जो आर है ना जी, इंडिया के जो लोग हैं ना, ये ज्यादा वेस्ट से मुतासिर हो गए हैं आज के दौर में। आज इंडियन कल्चर नहीं है, क्योंकि हम जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, सूट्स पहनते हैं। एग्जाम्पल RSS ले लीजिए, जो रिलीजन का प्रचार करता है ना, वो खुद चड्डी पहनता था, उसके बाद अभी फुल पैंट में और शर्ट में आ गया, बेल्ट लगाता है, बूट्स पहनता है, तो दे आर मोर वेस्टर्नाइज। तो ये हाँ इंडियन बिकॉज इट कल्चर इज कहाँ मूवी रखा है? इट इट इज अरे ये कहीं नहीं लिखा कि भाई हिंदू को वो कुर्ता पजामा ही पहनना पड़ेगा, धोती पहनना पड़ेगा, ये किधर नहीं लिखा, यही तो बात हो किधर रही है। लिखा भी होगा, अच्छा किधर लिखा भी होगा चले, तो वो गॉड का वर्ड नहीं शिवम है। सहगल साहब, शिवम सहगल साहब, हमने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि क्यों उसको रिवाइव होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना टीका। हम दुनिया का डेटा देखते हैं, अमेरिका आज नंबर एक है, सुपर पावर है, और उसके बाद और भी दूसरी कंट्रीज हैं। क्या अमेरिका ने अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन को रिवाइव करके सुपर पावर की पोजीशन अचीव की है? नहीं सर, बिल्कुल मैं अमेरिका ने तो नहीं किया, नहीं बट किए, इट ओके इज चलिए। ऑल्सो अवे। अब मैं आता हूं यूरोप। क्या यूरोप ने अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन को रिवाइव करके अपना ये मकाम अचीव किया या उसको खत्म करके अचीव किया है? सर आपको बिजेंटियम का पता है कि जब रोम मुझे खत्म इस हुआ बात का था जवाब दे दीजिए प्लीज, यस उस, और नो में, कि इस वक्त यूरोप में एंशियंट सिविलाइजेशन पाई जाती है या मॉडर्न सिविलाइजेशन पाई जाती है? सर कुछ बचा ही नहीं, उनका कुछ टेक्स्ट कुछ बचा ही बचा ही नहीं, नहीं ना एक उन्होंने बुक बची है उन्होंने बाइबल, उन्होंने अपनी हमारा बचा है। सिविलाइजेशन नहीं, बाइबल तो 2000 साल पुरानी है, उनकी तहजीब तो बाइबल से पहले की है भाई, उनकी हाँ बट कुछ बचा नहीं ना तहजीब सर, बाइबल सब से जला पहले दिया गया। की है। तो उनकी जो ग्रीक फिलोसफी जो है वो तो बाइबल से पहले की है, ग्रीक फिलोसफी पूरी की पूरी बाकी है, उसको तो हमने बिल्कुल प्रिजर्व बिल्कुल, किया, उसको हमने प्रिजर्व किया मुसलमानों ने, ठीक है, और उसको उन्होंने प्रिजर्व नहीं किया। तो हाँ जी कहने का मकसद ये है कि आपने जिन लोगों की तरक्की इस वक्त दुनिया में देखी है उनमें से किसी ने भी अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन की बुनियाद पर तरक्की नहीं की है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन को रिवाइव कर दिया जाए तो इंडिया तरक्की कर लेगा? और अभी वो तरक्की नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है? सर, डेटा क्योंकि इस हम प्राउड डेटा डेटा के बारे में, मेरी ऐसा मेरा सर ऐसा मानना है, जो कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा, कि अगर हम अपने आप पे प्राउड करेंगे और हम अपने कल्चर पे प्राउड करेंगे और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वही अपना जो हमारी थॉट है हम बाकी लोगों तक आपका पहुंचाना मेरे चाहते हैं। भाई, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि चांद जो है मेरे जमीन के मेरे पैरों के नीचे है, आप मान लीजिए, कोई मसला नहीं है। बात ये नहीं, बात ये कि जो आप कह रहे हैं वो सेंसिबल होना चाहिए, वो इट शुड मेक सेंस, वो मेक सेंस नहीं बन रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम प्राउड फील करें, वो प्राउड फील करते ही हम जो है इकोनॉमिकली सुपर पावर बन जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बनेंगे, अरे ऐसे ही बनेंगे, आप बिना प्राउड फील किए तो आज तक कोई सुपर पावर नहीं बना। मैंने अमेरिकन से मिसाल पूछ दिया, लीजिए क्या क्या अमेरिका को, मैंने मिसाल दी कि अमेरिका क्या अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन पर प्राउड फील करके सुपर पावर बना? आपने कहा नहीं बना, आपने खुद ही इकरार अरे यार किया। लेटेस्ट इलेक्शन में उनका नारा ही था, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इट इज ऑल अबाउट द प्राइड, यू शुड हैव अच्छा प्राउड ऑन योर यानी रूट्स। ओके, चलिए इसी बात को, इसी नारे को ले लेते हैं, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये डोनाल्ड ट्रंप का नारा था। तो वो क्या कह रहा था कि हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन को का रिवाइव करना है? 200 300 साल पुराने, मतलब जब जब अमेरिका अपनी आपको पता है ग्रेटेस्ट पे था, वर्ल्ड वॉर जस्ट जीता था, दो दो सौ पचास साल साल पहले पहले जब मान लीजिए, अमेरिका पचास दो साल सौ पहले साल मान पहले वो लीजिए, वॉर जीता था, हाँ, 50 साल पहले मान लीजिए सर। तो पचास अब साल आप पहले वो 50 साल पहले की अमेरिकन सिविलाइजेशन डिफरेंट थी आज के मुकाबले में। व्हाट आर यू हाँ टॉकिंग, डिप किया व्हाट पता आर है, यू अगर टॉकिंग, आपको देखो शिवम मुंह से भाई, तो शिवम भाई सबके आप कुछ ना सच में कुछ गलत डॉक्टर निकल हैं? सकता है, शिवम अगर भाई आप आपको सच में वो डॉक्टर हैं पकड़ना या है। नाम लिखे सिर्फ? और डॉक्टर हूँ भाई, MBBS हूँ, आपको अगर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम प्लीज वगैरह है तो आप बता कंटिन्यू, दीजिए, प्लीज मैं आपको दवाई बता नहीं, दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई चेक नहीं करना, वो सिर्फ स्टूडेंट हूँ कन्वर्स। सर मैं, बहुत यंग हूँ, अभी 23 ईयर्स का हूँ और अभी जस्ट अभी मेरा ओके, MBBS खत्म हुआ। अभी MBBS खत्म हुआ है, चले ठीक है। आप देखें, आप हो सकता है कि मेडिकल की फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो, मेरी दुआ है कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट बने, थैंक लेकिन यू सर, आपको थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा हिस्ट्री में भी तवज्जो देनी चाहिए। आप हिस्ट्री को पढ़ें, जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाएं, आई एम श्योर कि यू नो अलॉट, लेकिन जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं
इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो चलें, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए, आगे भी आते रहें, इस तरह का हेल्थी डायलॉग होना चाहिए। हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमारी बात सुने, जरूरी नहीं है कि हम एग्री करें, कोई अचीव नहीं करना कुछ भी, हमें अपनी बात सुनानी है, आपको अपनी बात सुनानी है। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।